गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कल कि मेरा बड़ा बेटा जो है उसको कोविड पॉजिटिव हो गया है। वो जो होली खेल ले गया था नीचे दोस्तों के साथ में, चार पांच ही दोस्त थे उसके, पता नहीं इन्फेक्शन कहाँ से आया, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे उनको ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका था कोविड उनको, और किसी को कोई सिम्टम कुछ भी नहीं, किसी थर्ड आदमी से कोई से मिले भी नहीं वो। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहा होगा, फोमाइट इन्फेक्शन है। तो कभी क्या होता है, फोमाइट इन्फेक्शन का मतलब है हम छींकते खांसते ना तो चीज़ों पर जो है वो एक ड्रॉपलेट का लेयर जमा हो जाता है। तो बच्चे खेलते में कोई कार टच किए होंगे, किसी चीज़ को टच किए होंगे, तो कहीं से इन्फेक्शन ले लिया उसने। और इस बार जो वायरस है वो डबल म्यूटेंट वायरस है, तो बहुत तेज फैलता है एक्चुअली के। तो उसको आदित्य को जो है वो दो दिन तक एकदम 101-102 बुखार रहा उसको, और बड़ी तकलीफ रही, एकदम सीवियर पेन था। तो मैं उसका जब पहले बार सिम्टम आए तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में से पानी आ रहा है, रेड थोड़ा आई हो रहा है उसका, और स्किन में हल्की इचिंग भी हो रही है, फीवर भी प्रेजेंट है उसको, ठीक है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं समझ गया था कि इसको सिम्टम सारे जो है वो कोविड के सिम्टम है। तो मैंने ट्रीटमेंट तो हालांकि उसका शुरू मैंने डे वन से ही कर दिया था, लेकिन फिर RT-PCR जांच कराया कन्फर्म करने के लिए, तो वो पॉजिटिव आया हो। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो इस समय यह हालत है कि आप समझ लीजिए कि भोपाल का जो हमारा ऑफिस है, भोपाल का जो मेरा ऑफिस है, यहाँ पे बड़ा स्टाफ का काम करता है, अभी वो स्टाफ और बढ़ गया उसके अंदर। तो आप सोचिए कि उस ऑफिस के अंदर भी जो है वो 3 लोग पॉजिटिव निकले, ठीक है, मतलब ऑफिस के अंदर अभी सभी लोगों का आर्ट का टेस्ट कराने की नौबत आ गई है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय ये सिचुएशन बन चुकी है कि लेफ्ट और राइट इन्फेक्शन फैल रहा है, मतलब, ठीक है, यानी ये जो नया डबल म्यूटेंट वायरस है, ये दो वायरस के मिलने पर एक तीसरा वायरस बना है, ठीक है। और दो वायरस जो थे ऑलरेडी वो म्यूटेंट वायरस थे, मतलब ये धीमे धीमे वायरस अपना रूप बदल रहा है, और रूप बदल कर क्या कर रहा है, ये इनिशियल सिम्टम्स ने बदल दिए अपने। अब ये गला खराब या सर्दी जुकाम इससे ऊपर आ गया, ये सीधा इन्फेक्ट करता है। साइंटिस्ट जो है वो भी लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैंने कहा ना आपसे कि ये जो वायरस है, ये वायरस जो है वो बेसिकली एक प्रकार से जो कॉमन कोल्ड का वायरस था ना, उसी का म्यूटेंट वायरस ही है, ठीक है। पहले भी हमको सर्दी जुकाम हुआ करता था, तो जुकाम बड़ा कंटेजियस होता था कि एक को हुआ तो दूसरे को हो गया, ठीक है। तो वही जो है सीवियर फॉर्म में ये वायरस में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि होता क्या है कि हम लोग लापरवाही बरतते हैं, उसका परिणाम किसी और को भुगतना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोगों सबको मास्क लगाना चाहिए कुछ दिन तक, जब तक कि ये संकट नहीं चला जाता है। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, वो जो है WHO में हैं, उनका नाम मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनके भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनसे पूछे बगैर, वो बड़ी एजेंसी में। तो उनका बोलना था कि ये जो एपिडेमिक है इसे ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसे ख़त्म होने में का वक्त जो है वो मान कर चले कि दिसंबर 2021 के बाद ये एपिडेमिक धीमे धीमे से जाने लगेगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। 2 साल का एपिडेमिक होता है, कोई भी एपिडेमिक का आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए तो साइकिल जो है 2 साल तक चलता है उसका। पहली लहर आती है, दूसरी लहर आती है, कई बार तीसरी लहर भी आती है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि या तो सारे लोग इन्फेक्ट हो जाए, या मोस्ट ऑफ दी 2/3 पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए, या उसको वैक्सीन लग जाए, तब तक ये चलता रहेगा। धीमे धीमे जाएगा नहीं, ग्रेजुअली धीमे धीमे वो बाहर निकलेगा। मास स्केल पे वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, पर सबसे बड़ी बात यह कि ये वायरस चूंकि RNA वायरस है तो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को म्यूटेट करता है। तो कोई भी वैक्सीन जो है वो फुल प्रूवन काम नहीं कर पा रही इस पर, क्योंकि पहले भी फ्लू का वैक्सीन हर साल चेंज करना पड़ता था, ये वही फ्लू का ही सीवियर फॉर्म है। खैर, छोड़ते बात, बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ चल रही है, सब कुछ तरफ जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो बड़े पैमाने पर है। और आपको बता दूं मैं कि इस पर भी ये हालत है कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री से जो हम बात करते हैं, सरकार की बात करें हम, तो मतलब इस समय भी लोगों को बिजनेस जो लोगों का जो है ना उसमें इथिक्स बहुत कम होते चले। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, यदि मान लीजिए कहीं लॉकडाउन का नौबत है, कहीं पर कोरोना केस बढ़ रहे हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग टू कैंसिल योर ट्रिप, तो एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो आपका बाकायदा तगड़ा कैंसिलेशन चार्ज काट रही है। मतलब पीपल्स आर नॉट वरीड, यानी बिजनेस एपिडेमिक में लोगों ने बहुत बिजनेस किया है, कई इंडस्ट्रीज ने बहुत बिजनेस किया है एपिडेमिक में। ये मैं बिल्कुल जो है ऐड करना चाहूँगा कि कई कई जगह पर जो है वो डॉक्टर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने उस मुश्किल वक्त में लोगों ने जो है वो अपनी जान खतरे में डाल के लोगों के लिए उन्होंने सेवा की है, लेकिन कुछ अस्पतालों ने जो है वो ठीक भी नहीं किया है। देखो मैं सबकी जनरलाइज बात नहीं करूंगा, पर सच तो यही है कि लोग कुछ लोग अपॉर्चुनिस्टिक थे, अधिकांश लोग जो है वो सेवा कर रहे थे, कुछ लोग अपॉर्चुनिस्टिक भी थे, वहां पर समाज में सब तरह के लोग होते हैं। खैर
छोड़ते हैं इस बात को, अभी हम अपने मुद्दे पर आते हैं। कि देखिए आपको बता दूं मैं कि इस समय हमारे घर में तो बहुत टेंशन है भैया ना, क्योंकि हमारे घर में बहुत छोटा बच्चा भी है, भारती भी है, मैं भी हूँ, हमारे घर में दो हाउस हेल्प काम करते हैं, सबका टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मम्मी फॉर्चुनेटली मम्मी मेरे साथ में भी नहीं है, वो अपने विदिशा गई हुई है। तो लेकिन भाई आपके घर में इन्फेक्शन आ जाता तो फिर थोड़ा तनाव में तो कोई आदमी हो ही जाएगा ना, वो भी बच्चा है, अकेला कब तक 15 दिन तक कैसे रहेगा वो। खैर वीडियो कॉल पे बात करते थे हम लोग। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, दो मछुआरों की कहानी, ठीक है, सुनना, ये बड़ी काम की कहानी है। ठीक है, और देखो जितनी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, वो स्टोरी इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको इंटरटेनमेंट चाहिए आपको तो चाहिए आप कोकोमेलन पर, चूचू टीवी पे। हाँ सच में ये चैनल है कोकोमेलन चूचू टीवी, ठीक है ना, उसमें बढ़िया बढ़िया नर्सरी राइम आती है, अच्छी स्टोरी आती है उसमें, ठीक है, और अच्छी बेहतरीन भयंकर इस टाइप की स्टोरी देखनी हो तो फिर आप भैया काम करो, सबसे बड़ा तरीका है कलर्स पर जाओ, बगैर दिमाग लगाए जा रहा कलर्स पर ऐसी ऐसी कहानियां बना बना के बताएंगे कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। खैर छोड़ो, अब आते हैं अपनी बात पे कि दो मछुआरे होते हैं, वो एक सुबह जो है वो एक नदी के किनारे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो ऐसा एक्चुअली वो वहाँ ऐसा होता है कि मछली पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उसको पकाएंगे वो। तो एक्चुअली वो मछुआरों का काम ये था कि वो मछली पकड़ते थे, पकड़ने के बाद उसको जो है वो अपना रखेंगे कुछ मछली घर के लिए और कुछ को वहाँ पका के खाएंगे वो, ठीक है। कोई आदमी काम पे निकलता तो खाता भी, पिकनिक टाइप सॉर्ट ऑफ हो जाता है वो। दोनों मछुआरे जो है एक नदी किनारे जाते हैं, बढ़िया बैठ के जो है वो मछली पकड़ते हैं। पहला वाला मछुआरा जो होता है वो पहली बार में डालता है और एक बड़ी सी मछली पकड़ लेता है। उस बड़ी सी मछली को वो अपने जो उनका कंटेनर होता है ना उसमें बर्फ बर्फ रखी होती है ताकि वो खराब ना हो, फ्रेशनेस बनी रहे, तो उसमें मछली को वो डाल देता है। थोड़ी देर बाद एक और बड़ी मछली पकड़ता है और उसको भी डालता है, ऐसे करके वो 3-4-5 मछली पकड़ लेता है बड़ी बड़ी, ठीक है। दूसरा मछुआरा जो है कोई मछली नहीं पकड़ पाता है, वो भी बैठा हुआ, सुबह से आधी दोपहर निकल चुकी है। अब वो बड़ा मछुआरा पहला वाला मछुआरा बोलता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ अपनी मछली पका के खाऊंगा मैं, ठीक है, बाकी घर लेके जाऊंगा और कुछ बेच दूंगा मैं। तुम्हारा क्या बोल रहा है कि यार कोई मछली मिल नहीं रही। वो बोलता है यार हम आजू बाजू बैठे हैं, मेरे को मछली मिल रही है, तुमको मछली नहीं मिल रही है, हमारा इक्विपमेंट पकड़ने का सेम है, तो थोड़ी देर देखता है कुछ कर क्या रहा है, क्या गलती कर रहा है। सेकेंड दूसरा मछुआरा मछली पकड़ता है, देखता है बड़ी मछली आ गई है, बड़ी मछली को उसमें से निकालता है, वापस पानी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद फिर एक बड़ी मछली फंसती है और वापस पानी में फेंक देता है। तो पहला मछुआरा बोलता है क्यों भैया तू सुबह से बैठा हुआ है, दोपहर तक आ गया, बड़ी मछली आती तू निकाल के बाहर फेंक देता है, बोलता है तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो दूसरा मछुआरा बोलता है अरे यार वो जो बर्तन है ना खाना पकाने का वो छोटा है मेरा, और जो मैं घर पर रख के ले जाने के लिए जो बास्केट लेके आया वो भी छोटी है मेरी, ये मछलियों का साइज बड़ा है, इनको मैं कैसे उसमें रखूंगा मैं, इसलिए मैं जो है वो छोटी मछली ढूंढ रहा हूँ इधर से, पर ये यहाँ पे सब मछलियाँ बड़ी बड़ी हैं, छोटी मिली नहीं मेरे को, सुबह से बैठा हुआ दोपहर तक आ गया, छोटी मिलेगी तो अपने बर्तन में पका के खाऊंगा, छोटी मिलेगी तो थोड़ा सा अपने बास्केट में रख के घर ले जाऊंगा। पहला मछुआरा बोलता भाई ऐसा करना, बड़ी मछली पकड़ ले, उसे काट लेना तेरे बर्तन के साइज के अकॉर्डिंग और काट के पका के खा लेना उसको, ठीक है, घर लेके जा रहा है तू भी काट के तू दोस्तों में रख ले उसको, काय टेंशन ले रहा है इतना। तो दूसरे मछुआरे को फिर बात समझ में आती कि हाँ यार वो तो सुबह से बेकार परेशान हो रहा है, वो बड़ी मछली भी तो पकड़ सकता था, वो पकड़ चुका था इनफैक्ट कई बार वो। अब आप बोलोगे इसका क्या क्या स्टोरी से क्या सीखा हमने। जीवन में हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कई बार, जब हमारे सामने कोई मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम सोचते हैं कि तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमको इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमको छोटा चाहिए। जैसे कि आप यदि एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने देखा कि आपके एरिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है जो जिसका साइज बड़ा है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा, आप बोलेगे नहीं नहीं हम तो थोड़ा सा गली मली बनाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से ले लेंगे हम, आप नहीं हाथ डालेंगे उसमें, कोई बाहर की कंपनी आके हाथ डालेगी और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा, आपने हाथ नहीं डाला। कहीं कोई सप्लाई का ऑर्डर निकला हुआ है कि भैया इतना सप्लाई करना, आपने कहा यार इतना तो टोटल मेरी दुकान के अंदर माल नहीं है, मैं हाथ नहीं डालता इसमें क्योंकि मैं तो इतना बड़ा कद ही नहीं मेरा, आपने उसमें भी हाथ नहीं डाला, वो सप्लाई का ऑर्डर भी आपका चला गया। आपके सामने आपने ग्रेजुएशन किया, आपके सामने एग्जाम आ गया, यूपीएससी का एग्जाम की डेट निकल आई, भैया यूपीएससी देना है, आपने कहा आईएएस बहुत पढ़ना पड़ता है, लोग निकलते भी नहीं है,
फेलियर का रेट बहुत ज्यादा है। देखो कोई आसपास कोई शहर में कोई नहीं निकला है, आपने आईएएस एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा क्योंकि आपको मालूम था कि नहीं निकलेगा। बहुत बड़ा आपने लेवल का, आपने क्या भरा, आपने एलडीसी यूडीसी का फॉर्म भरना सोचा आपने कि भाई वो शायद हम निकाल लें, नहीं भरा। आपने आईपीएस बनने के बारे में नहीं सोचा, आपने सब इंस्पेक्टर के लिए वो दौड़ने वाला एग्जाम रहा, चलो भाई कम से कम हवलदार कांस्टेबल का कुछ तो एग्जाम निकाल के देखें, वही आपने लिमिट कर दिया अपने आप को आपने, ठीक है। फिर रही बात कि भैया बायोलॉजी लिया है तो नीट का एग्जाम निकाल के अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचना, आपने कहा नहीं, ये भी बहुत टफ काम है। बहुत 16 लाख बच्चा बैठता है, 50-60 हज़ार बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें से, मतलब बहुत रेशियो वाइज देखोगे तो बहुत पीछे चला जाता है। नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा। आपने खुद ही अपने आपने कहा मैं तो छोटा कुछ, मैं तो मुझे कुछ 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 मिल जाए, छोटा मोटा मतलब कहीं कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ डिग्री मिल जाए, कुछ मिल जाए, है ना, टेक्नीशियन वेक्नीशियन का काम करो, छोटा काम मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप डिग्री की बात करो उनके, आपने कहा टेक्नीशियन बन जाओ, ऐसा कर लो, मतलब अपने सपने को अपने मोल्ड करके पॉकेट में साइज छोटा कर लिया आपने कि सेट हो जाए वो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपके पास बड़ा बर्तन नहीं था, आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या कर सकते थे। लाइफ में कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैंने एक रियल एग्जांपल देखा है, मैं एक बार भोपाल की बात बता रहा हूँ कि मेरा भोपाल में एक हमारे एक सेंटर था हम लोगों का मालवीय नगर में, तो भोपाल में मालवीय नगर में जहाँ सेंटर रेंट पे ले रखा था उस बिल्डिंग में जो है वो एक छोटा सा एक बिल्डिंग का फ्लोर काफ़ी बड़ा था, वो पैतृक था, मतलब पैरेंटल प्रॉपर्टी थी, तो उसमें है ना जो उसके वो बिल्डिंग के जो मालिक थे उनका छोटा छोटो फोटो कापी काम था कि दो फोटो कापी मशीन लगी हुई थी, लोग सड़क से आते थे फोटो कापी करा के निकल जाया करते थे, कि फोटो कापी लेमिनेशन वो छोटे काम छोटा सा बच्चा होता ना दुकान है कि लोग मार्कशीट का लेमिनेशन करा रहे हैं, कोई मार्कशीट की फोटो कापी करा रहा है 2-4 रुपये, ऐसा उनका काम था। भले ही प्रॉपर्टी किराए पर गई हुई थी लेकिन कुछ काम तो करना चाहिए ना आदमी को। एक दिन वो मेरे पास आए, बोले कि सर मेरे को एक ऑर्डर मिला बड़ा। हमने कहा क्या ऑर्डर मिला? बोला नेशनल जुडिशियल एकेडमी खुला है भोपाल के अंदर, उन्होंने कहा है फोटो कॉपी करने का मैंने ऑर्डर ले लिया है और मेरे को जो है 1 करोड़ फोटो कॉपी करनी है। मैंने कहा यह तो बहुत बड़ा ऑर्डर है भाई। बोला डिस्काउंटेड रेट में भी करके करने के बावजूद मेरे को जो है तकरीबन 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू जो है, 2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मेरे को आएगा उसमें, और उसमें तो 1-1.25 करोड़ के आसपास फोटो कॉपी करनी है हमको, कुछ उनका मटेरियल है वो पूरा। मैंने कहा ये 1.25 करोड़ फोटो कॉपी तुम इन मशीनों पर कैसे कर पाओगे? उसने कहा साहब ऑर्डर ले लिया मैंने, बाकी काम सेकेंडरी है। फटाफट उन्होंने राज अरेंज किया, आसपास के कई लोगों से टाई अप किया उन्होंने, और मैंने देखा नेक्स्ट डे उन्होंने एक बड़ा सा हिस्सा जो खाली पड़ा था उसमें जो है 50-60 फोटो कॉपी और मशीनें ला के रख दी उन्होंने, कुछ खरीद ली उन्होंने, कुछ रेंट पे उठा ली उन्होंने, ऐसे करके उन्होंने काम शुरू हो गया। 3 महीने का काम था, 3 महीने में उन्होंने जो है दिन रात वहाँ पर फोटो कॉपी होती थी, 2-2 शिफ्ट में काम होता रहा, और फाइनली उस आदमी ने वो ओवरकम कर लिया। जैसे ही उसका टारगेट पूरा किया फिर बड़ी बड़ी कई जो है वो कंपनीज, बड़े बड़े कई इस तरह के इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर उनको मिलने लगे और फाइनली वो बड़े प्रिंटर बन गए। वो आदमी जो 2 फोटोकॉपी मशीन पर 2-2 रुपए की कॉपी करता था, एक दिन उसने जो है वो जब टेंडर निकला उसने खट से जाकर टेंडर भर दिया उसमें नेशनल जुडिशियल अकेडमी में, और रेट कम रेट में भरा उसने और 1.25 करोड़ फोटोकॉपी का टेंडर ले लिया। ये सोचे बगैर बोल रहा था इतना मेहनत करके फायदा कम हुआ सर मेरे को, फायदा मुझे कम हुआ लेकिन यह है कि मेरा रास्ता बड़ा खुल गया, अब मैं दुनिया में किसी के लिए भी करोड़ों की संख्या में फोटोकॉपी कर सकता हूं। एक्चुअली में ऐसा हुआ, स्केल बड़ा था आदमी के दिमाग का। तो वही वाली बात है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कई बार आती है पर उस अपॉर्चुनिटी को आप पहचानो तो सही। आप इतना बड़ा, आप लोग बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप हाथ डाल दीजिए क्या होगा, मैक्सिमम फेल ही तो होंगे, कुछ सीखेंगे तो सही, बड़े लोगों से इंटैक्ट तो करके आएंगे कि चलो ठीक है हाँ हम आए थे करने के लिए, आज नहीं कल करके दिखाएंगे, कोई बात नहीं। इसलिए कभी भी लाइफ में बर्तन का साइज पर शिकार का साइज मत सोचिएगा। आपको जो मिलता है बड़ा बड़ा ले लीजिए, ग्रास्प कर लीजिए, फिर सोचेंगे कैसे सेट करना है उसको। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।